वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम ऐलान किए हैं। वहीं मोदी सरकार की तरफ से अब रेलवे कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है। इसके तहत रेल कर्मचारियों को 78 दिन का वेतन बोनस के रूप में मिलेगा। इससे 11 लाख कर्मचारियों और उनके परिवार तक ये फायदा पहुंचेगा। वहीं सरकार ने ई सिगरेट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इस बैन के तहत ई सिगरेट के संग्रहण, उत्पादन और वितरण पर रोक लगाई गई है। साथ ही साथ ई सिगरेट के विज्ञापन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पब्लिक सेक्टर की एयरलाइन एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर एक बड़ी बैठक भी करेंगी। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में एयर इंडिया को 8,400 करोड़ रुपए के घाटे के बाद ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है। बीते 2 जुलाई तक एयर इंडिया को पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से भी 491 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 1 महीने के अंदर केस निपटाने के संकेत दे दिए हैं। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों से अपील करते हुए सीजीआई ने कहा है कि वो 1 महीने में अपनी दलील पूरी करने की कोशिश करे। साथ ही उम्मीद भी जताई है कि इस मसले की सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। शाम करीब 4:30 बजे हुई इस मुलाकात में पश्चिम बंगाल में कई प्रशासनिक मामलों पर चर्चा के साथ साथ अर्थव्यवस्था से जुड़ी बातचीत हुई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना के बीच राज्य में सीट बंटवारे को लेकर हालात अब साफ होते नजर नहीं आ रहे। खबर यह है कि राज्य में चुनाव से पहले बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में 288 सीटों की विधानसभा में से 120 से ज्यादा सीट शिवसेना को नहीं देगी। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना इस बार गठबंधन तोड़ सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर हैं। यहां संथाल परगना से शाह ने मुख्यमंत्री रघुवर दास की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा संथाल परगना की सभी विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। वहीं कार्यक्रम में जनजाति समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होंगे। 15 से 20 अक्टूबर के बीच यात्रा रांची में प्रधानमंत्री की रैली के साथ खत्म होगी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सुरक्षा में संशोधन किया गया है। मनमोहन सिंह को अब सीआरपीएफ की जेड प्लस एडवांस सिक्योरिटी मिलेगी और मनमोहन सिंह की सुरक्षा में 50 कमांडो तैनात किए गए हैं, जिनमें से 35 हर वक्त उपलब्ध रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह को भी इसी श्रेणी की सुरक्षा मिली है। दिल्ली सरकार के ऑड इवन फैसले पर सुनवाई से एनजीटी ने इनकार कर दिया है। याचिका में पिछली बार दिल्ली में लागू हुए ऑड इवन फॉर्मूले को फ्लॉप होने का दावा किया गया था। इसी हवाले से ये याचिका जो है दाखिल की गई थी, लेकिन अब एनजीटी ने साफ कर दिया है कि इस याचिका पर सुनवाई की कोई भी जरूरत नहीं। पाकिस्तान में सिंधी हिंदू लड़की की हत्या का विरोध अब शुरू हो गया है। कराची में प्रदर्शनकारियों ने हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की है। दरअसल नम्रता पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना में एक मेडिकल कॉलेज में छात्रा थी। उसकी लाश उसके हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली। कॉलेज प्रशासन हत्या की बात से इनकार कर रहा है, जबकि मृतक के भाई ने हत्या का आरोप लगाया था। अब इस हत्या के विरोध में कराची में देर रात बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए और प्रदर्शन भी किया। इन लोगों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते अस्तित्व को लेकर इन दिनों कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ जारी तनाव का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और भारत में पीओके के शामिल होने की उम्मीद जाहिर की। एस जयशंकर के बयान से एक बार फिर पाकिस्तान में बौखलाहट का माहौल देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जयशंकर के बयान को भड़काऊ बयान बताया जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पीओके पर भारत के बयान पर गंभीर संज्ञान लेने की बात भी कही।
पाकिस्तान की तरफ से पीओके के लॉन्चिंग पैड से आतंकियों के घुसपैठ का नया वीडियो जो है वो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ संदिग्ध आतंकी पीओके की तरफ से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोशिशें की जा चुकी हैं जिनको भारतीय फौज ने नाकाम किया। देश भर के कॉलेज में अब एडमिशन के लिए कट ऑफ की जगह सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अब एडमिशन के लिए कॉमन टेस्ट का प्रावधान किया जा सकता है। खबर है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जल्द ही ऐसा प्रस्ताव लाने की तैयारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एचआरडी मंत्रालय के प्रस्ताव में कहा गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये कॉमन टेस्ट एग्जाम आयोजित करवाएगी। फिलहाल इस प्रस्ताव पर एक हाई लेवल कमेटी काम कर रही है। मोदी सरकार ने सीआरपीएफ के 2,37,000 से ज्यादा कर्मियों को तोहफा दिया है। सीआरपीएफ में ऑफिसर रैंक से नीचे के सामान्य ड्यूटी कर रहे जवानों को जल्द ही प्रमोशन मिलेगा। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतने बड़े पैमाने पर सामान्य ड्यूटी कैडर के प्रमोशन पर समीक्षा की गई है। इस फैसले से सीआरपीएफ के ग्रुप बी और सी के उन 2,37,000 जवानों को फायदा पहुंचेगा जिनका लंबे वक्त से प्रमोशन रुका हुआ है। देश भर में अलर्ट के बाद बारिश जो है कहर बरपा रही है। आज पूर्वी यूपी, अंडमान निकोबार, गुजरात, तेलंगाना सहित कई राज्यों में तेज बारिश देखने को मिली। वहीं बारिश के चलते कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा। राजस्थान के बाड़मेर में संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस एसओजी ने एक्शन लेते हुए क्रेडिट कार्ड घोटाले की मुख्य आरोपी विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी विक्रम सिंह पर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप लगा है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में नदी में एक शख्स का पानी में स्टंट करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो बांसवाड़ा के गढ़ी थाना क्षेत्र के माही नदी का है जहां छलांग लगाकर शख्स उफंती नदी में काफी दूर तक पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल स्टंट करने वाले शख्स की पहचान नहीं हो पाई। राजस्थान के जोधपुर में कुछ गुंडों ने टोल के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की है। साथ ही आरोपियों ने टोल नाके के कर्मचारी के साथ मारपीट भी की है। आरोपियों की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित का कहना है कि रसीद काटने के विवाद को लेकर झड़प शुरू हुई। उदयपुर के मादड़ी इलाके में पंजाब नेशनल बैंक में लूट की वारदात सामने आई है। यहां 7 नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 19,72,000 के नोट और करीब 12 लाख के सिक्कों की लूट को अंजाम दिया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इलाके की नाकेबंदी कर दी है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच भी की जा रही है। महिला रेसलर और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने आ9 टीवी से बातचीत में हरियाणा में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उनका कहना है कि अगर उन्हें आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा जाता है तो वो इस राजनीतिक लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। फरीदाबाद में रोडरेज का एक वीडियो सामने आया है। यहां एक शख्स अपनी कार के बोनट पर ही दूसरे शख्स को लेकर भाग निकला। वहीं आसपास मौजूद लोग उससे रोकने की कोशिश करते देखे गए। फरीदाबाद का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला एक छोटे से रोड एक्सीडेंट के बाद शुरू हुआ जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे की कार रोकने की कोशिश की लेकिन एक्सीडेंट करने वाला शख्स उसको कार बोनट पर ही लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंचकुला जिला अदालत के स्पेशल जज संजय सुधीर की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इनमें 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना, वहीं 5वीं दोषी ठहराई गई महिला को 8 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। फतेहाबाद में एक शख्स एसडीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गया। पीड़ित का आरोप है कि उसके बेटे को ससुराल वालों ने डिलीवरी पर खर्च हुए 1.5 लाख रुपए नहीं चुकाने पर गिरवी रख लिया है। वहीं पीड़ित ने पुलिस पर भी कार्रवाई के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है।
फतेहाबाद के हिसार रोड बाईपास के पास ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में कार में सवार दो पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को फतेहाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां एक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है। करनाल में कर्ण लेक इलाके में ढाबे के वेटर के पास से 70,000 की फेक करेंसी मिली है। पुलिस ने आरोपी वेटर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में पूछताछ की जा रही है। हरियाणा के झज्जर जिले में 5 लोगों की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां सेक्टर 6 में एक निर्माणाधीन मकान के अंदर 2 महिलाओं सहित 5 लोगों के शव बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश के चलते हुई हत्या मान रही है। जींद जिले के नरवाना इलाके में केम गवर्नमेंट कॉलेज की छात्राएं पिछले 11 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज की तरफ से माइग्रेशन के नाम पर उनसे अवैध वसूली की जा रही है और कई बार शिकायत करने के बाद भी किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सोनीपत के गांव गढ़ीबाला के पास ग्रामीणों ने सोनीपत रोहतक रोड पर जाम लगा दिया है। गांव वालों का आरोप है कि 5 दिन पहले उनके गांव की एक महिला कपड़े धोने के लिए मुनक नहर पर आई थी और पैर फिसलने के कारण नहर में डूब गए। वहीं महिला की तलाश में प्रशासन भी मदद नहीं कर रहा है। गांव वालों ने प्रशासन से मदद करने और पानी कम करवाने की मांग को लेकर रोड जाम किया है और करीब 1 घंटे बाद गांव वालों ने आश्वासन के बाद जाम खोला। रेवाड़ी जिले के पास एक मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये मालगाड़ी कोयला लेकर मथुरा से झाड़ली जा रही थी। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं हादसे के बाद ट्रैक को खाली करवाया गया है, क्लियर करवाया गया है और हादसे के पीछे की वजह की जांच की जा रही है। पानीपत जिले में शिक्षा विभाग ने खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। 3 दिनों की इस प्रतियोगिता में राज्य के 1800 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं प्रतियोगिता में खो खो, बास्केटबॉल, बेसबॉल खेल करवाए जाएंगे। इसके लिए पहला इनाम ₹1,000, दूसरा इनाम ₹750 और तीसरा इनाम ₹500 रखा गया। यूपी के कासगंज में लोगों को जागरूक करने के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। इस दौरान प्रभारी मंत्री अनिल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ को रवाना किया। कासगंज के 12 पत्थर से शुरू होकर प्रभु पार्क पर समाप्त ये होगी। इस मौके पर जिलाधिकारी, सीएमओ सहित सभी आला अधिकारी मौजूद थे। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं पानी बढ़ता देख एनडीआरएफ टीम के कमांडर पिछले कई दिनों से प्रयागराज में बाढ़ पीड़ित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। टीम ने रेस्क्यू कार्य करते हुए जान जोखिम में डालकर लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर लेकर जा रहे हैं। एनडीआरएफ टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं बाढ़ का पानी प्रयागराज के निचले कई इलाकों में पहुंच गया है। पानी भरने की वजह से शहर के कई इलाकों में जनजीवन पूरी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बाढ़ की वजह से शहर में कई तरह की बीमारियां भी फैल रही हैं। गोंडा जिले में कोतवाली में 2 महिलाओं ने अपने पति की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि उनके पति ने 3 शादियां की और फिर उन दोनों को धोखा देकर तीसरी बीवी के साथ रहने लगा है। साथ ही पीड़ित महिलाओं ने अपने पति पर उनको बंधक बनाकर रखने का आरोप भी लगाया है। हरदोई के भदैचा गांव में दबंगों ने एक दलित परिवार को अपना निशाना बनाया है। यहां कुछ दबंगों ने गांव के ही अंदर दलित शख्स को उसके घर में बंधक बनाकर जला दिया है। गांव वालों के रिपोर्ट दर्ज कराने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बिजनौर में एक रोडवेज बस बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए CHC में दाखिल कराया गया है, जहां घायल लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं बस चालक और परिचालक मौके से फरार है, जिन्हें पुलिस तलाश कर रही है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज देहरादून के दून अस्पताल पहुंचे। यहां हरीश रावत ने डेंगू के मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। साथ ही उन्होंने मरीजों के लिए किसी तरह के
काम न करने का आरोप सरकार के ऊपर लगाया। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका रावत के साथ केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए। केदारनाथ के बाद सेना प्रमुख बिपिन रावत बद्रीनाथ में दर्शन करने के लिए रवाना हुए। उत्तराखंड में हरिद्वार पुलिस के लिए सिरदर्द बने एक शातिर गिरोह को ज्वालापुर पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी उत्तराखंड के कई जिलों में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को हवालात में डाल दिया है और कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका कर्मचारी की बैट से पिटाई करने के बाद सुर्खियों में आए बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आकाश नायक नहीं खलनायक हूं मैं गाने पर डांस करते हुए देखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक से पहले 44 अमेरिकी सांसदों ने भारत को जीएसपी का दर्जा दिलाने के लिए अपनी सरकार पर दबाव बनाया है। इन सभी सांसदों ने ट्रंप शासन को लेटर लिखकर अपील की है कि भारत को फिर से सामान्य तरजीह प्रणाली यानी जीएसपी का दर्जा लौटाया जाए। दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी सऊदी अरामको पर हुए ड्रोन अटैक के बाद कच्चे तेल के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इससे डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट भी दर्ज की गई। मोदी सरकार 2 अक्टूबर से देश भर में प्लास्टिक को बंद करने की तैयारी में है। ऐसे में प्लास्टिक बैग, कप और स्ट्रॉ पर पाबंदी लगाई जाएगी। पॉलिथीन के खत्म होने से प्लास्टिक बैग्स का कारोबार भी खत्म हो जाएगा। इसके डिजाइनर पेपर बैग की डिमांड मार्केट में तेजी आएगी, जिसके बाद पेपर बैग की कंपनियों को फायदा पहुंचेगा और पर्यावरण के लिए पेपर बैग पूरी तरह से सुरक्षित। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भरोसा सेविंग अकाउंट्स की शुरुआत कर दी है। इसमें अकाउंट के खाता धारकों को मात्र 500 रुपए के मिनिमम बैलेंस रखने पर भी 5 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसके अलावा अगर खाता धारकों को सरकार से सब्सिडी मिलती है और वो इस खाते में ट्रांसफर करते हैं तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक उन्हें हर ट्रांजेक्शन पर कैशबैक देगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। इसके बाद सभी फैंस काफी नाराज नजर आए, लेकिन अब उन्हीं क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है। दरअसल दर्शकों को उनके टिकट के पैसे अब वापस कर दिए जाएंगे। इसके लिए एक स्पेशल काउंटर लगाया गया है। एक ब्रिटिश अखबार ने इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के परिवार की पिछली जिंदगी को दुनिया के सामने लाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 साल पहले उनकी मां के पूर्व पति ने स्टोक्स के सौतेले भाई और बहन की हत्या कर दी थी। स्टोक्स ने ट्विटर पर पोस्ट लिखकर उस इंग्लिश न्यूज़पेपर को बेहद गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। साउथ के स्टार प्रभास की मूवी साहो हाल ही में रिलीज हुई है। वहीं डायरेक्टर नितेश तिवारी की मूवी रामायण के लिए प्रभास से बात की गई है। वो रावण का किरदार निभा सकते हैं। इसको लेकर जल्द ही अनाउंसमेंट भी होगी। जानकारी के अनुसार रामायण में ऋतिक भगवान राम और दीपिका माता सीता का रोल निभाएंगी। दावा किया जा रहा है कि ये मूवी लगभग 600 करोड़ रुपए में बनेगी और भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म साबित होगी। इसे हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया जाएगा।